स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये पोएम में ऐसा क्या है कि इस पोएम पढ़ करके पंडित जी जवाहरलाल नेहरू इससे इंस्पिरेशन लेते थे? जॉन एफ कैनेडी फॉर्मर मार्किन प्रेसिडेंट इसको अपने स्पीच में इंक्लूड किया करते थे। क्या यह पोएम सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ दूसरा आम नेचर पोएम जैसा ही है, या फिर ये नेचर को से आगे बढ़ करके कुछ और भी सिंबलाइज करता है? क्यों इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मास्टरपीस कहा जाता है? ये सब सवालों का जवाब जानने के लिए आइए चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मैग्नम ओपस स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इस पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, इसका हिडन मीनिंग को समझेंगे, इसमें कितना बढ़िया तरीके से इंटरकनेक्टेड थीम्स यूज किया गया है वो समझेंगे, और प्लस इसमें कितना डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट इमेजरी और सिम्बोलिज्म भी यूज किया गया है ये भी समझेंगे, और साथ ही साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्यों इतने महान कवि माने जाते हैं उसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग ये पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था 1922 में, लेकिन इसको पब्लिश किया गया 1923 में न्यू हैम्पशायर में। न्यू हैम्पशायर एक्चुअली फ्रॉस्ट का एक पोएट्री कलेक्शन है। ओके, अब आइए इसको धीरे धीरे समझते हैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस का थ्रू। ओके, पहला लाइन देखिए, हूज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। इसका मतलब किसका जंगल ये है मुझे लगता है मुझे पता है। ठीक है, हिज हाउस इज इन द विलेज, तो लेकिन उसका हाउस है ना, उसका जो घर है ना, गांव में है, यहाँ नहीं है। ये जो जंगल है यहाँ नहीं, इससे दूर एक गांव है, वहां पे उस आदमी का घर है जिस आदमी का ये जंगल है। He will not see me stopping here. वो आदमी, ये जंगल का मालिक जिस जो गांव में जिसका घर है, वो मुझे यहाँ देखेगा नहीं कि मैं यहाँ रुक रहा हूँ, मैं उसका जंगल में रुक रहा हूँ, वो नहीं देख सकेगा। To watch his woods fill up with snow. मैं यहाँ क्यों रुका हूँ? मैं रुका हूँ उसका ये जंगल को देखने के लिए। ये जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा है, स्नोफॉल हो रहा है और पूरा स्नो से पूरा जंगल कवर्ड अप हो गया है, तो ये ब्यूटी देखने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उसका जंगल में खड़ा हूँ, उसका जंगल को देख रहा हूँ। ये वो नहीं समझ सकेगा, ये वो नहीं देख सकेगा। क्यों? क्योंकि भले ही वो जंगल का मालिक है लेकिन है वो दूर गाँव में, जंगल में नहीं है। ये है ऊपर ऊपर सीधा मीनिंग। लेकिन अगर हम लोग डीपली समझेंगे एनालाइज करके, तब हम लोग को यहाँ पे कुछ क्रिटिकल थीम्स या कुछ क्रिटिकल आपका पॉइंट ऑफ व्यू या एंगल समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपका होज वर्ड्स, ठीक है, तो दोनों में ही यहाँ डब्ल्यू का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये आपका मिल गया एलिटरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला वाला लाइन में एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है कि सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटेशन को एलिटरेशन बोला जाता है, तो यहाँ W का एलिटरेशन है। ओके, सो हूज वुड्स दीज आर, किसका जंगल ये है? आई थिंक, बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला चीज़ है, एक है आई थिंक, एक है आई नो, मुझे लगता है कि मुझे पता है। अब आप थोड़ा सोचिए, थिंक और नो दोनों थोड़ा सा ऑपोजिट हो जा रहा है ना, क्योंकि मुझे लगता है, ये क्या है, ये अश्योरेंस तो नहीं है, मैं ये गेस कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें एक हेजिटेशन है, इसमें एक लैक ऑफ श्योरिटी है, लैक ऑफ गारंटी है, लेकिन आई नो, मुझे पता है, ये एक अश्योरेंस है। ठीक है, ये कंप्लीटनेस है, एक असर्टेंस है। ठीक है, कि मुझे पता है, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, आई हैव दैट नॉलेज। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगता है, तो उसमें लेकिन वो गारंटी नहीं मिल पाता। तो एक तरीके से यहाँ पे एक अश्योरेंस और हेजिटेशन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को ऑलरेडी लग पता जा रहा है, कि पोएट का मन में थोड़ा सा हेजिटेशन भी चल रहा और पोएट का मन में थोड़ा सा अश्योरेंस, ना वो पूरा पूरी अश्योर हो ना पा रहे हैं और ना वो पूरा पूरी हेजिटेट कर पा रहे हैं, दोनों के बीच में वो एक टॉर्न डाउन अवस्था में है। अच्छा, फिर हूज वुड्स, किसका ये जंगल है? तो जंगल को यहाँ पे एक तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी ज्ञात किया जा रहा है। ठीक है, जंगल क्या है? जंगल एक नेचर का पार्ट है। अब नेचर क्या पब्लिक प्रॉपर्टी, आई मीन किसी का व्यक्तिगत संपत्ति है, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी है? जैसे हम लोग कोई ज़मीन खरीदते हैं या फिर उसमें अपना बंगला बनाते हैं, या कोई मान लीजिए कोई फार्म हाउस खरीदते हैं, ठीक है, उसमें पूल बनाते हैं, कुछ भी हो, ये सब हो जाता है हम लोग का व्यक्तिगत संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी। लेकिन एक जंगल, जंगल क्या कोई आदमी का व्यक्तिगत खजाना या व्यक्तिगत संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकता है? उसमें तो सबका हक है ना, क्योंकि वो नेचर का पार्ट है। नेचर इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन। ठीक है,
लेकिन उसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि वो एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो एक ओनरशिप, एक सेंस ऑफ ओनरशिप या सेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इसका साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है आपका सेंस ऑफ यूनिवर्सैलिटी। ठीक है, कि कोई एक व्यक्ति के द्वारा कोई चीज़ को ओन किया जाना, इस भावना के साथ यहाँ कन्फ्लिक्ट कर रहा है कि जो चीज़ सबके लिए ओपन है, ठीक है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, ओनरशिप वर्सेस यूनिवर्सैलिटी। ओके, ओनरशिप वर्सेस पर्सनल ओनरशिप वर्सेस पब्लिक एक्सेस, क्योंकि नेचर क्या है, नेचर कभी भी कंट्रोलेबल बाय ह्यूमंस नहीं है। नेचर को भले ही हम लोग नेचर को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, नेचर को थोड़ा अपना हिसाब से उसका शोषण कर सकते हैं, नेचर को मिसयूज कर सकते हैं, नेचर को टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन एज अ होल नेचर पे काबू पाना अभी तक कोई इंसान ना अभी तक कर पाया है ना कभी कोई कर पाएगा। तो नेचर इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, नेचर इज बियॉन्ड इंडिविजुअल कंट्रोल। ठीक है, तो ये कभी पर्सनल प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता। तो ये भी एक क्लैश आ जा रहा है कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, ओके, मैन वर्सेस नेचर। ठीक है, पहला ही लाइन में इतना कुछ हिडन मीनिंग निकल के आ गया। अब देखिए आगे समझते हैं। हिज हाउस इज इन द विलेज, दो उसका घर कहाँ है, गाँव में है। मतलब क्या कि यहाँ पे डिस्टेंस का भी बात आ जा रहा है, ठीक है ना, एक स्पेशियो टेम्पोरल डिस्टेंस का भी बात आ रहा है। स्पेशियो टेम्पोरल यानी स्पेशल मतलब आपका रिलेटेड टू प्लेस, जगह, और टेम्पोरल यानी रिलेटेड टू टाइम यानी कि समय। तो यहाँ पे समय और जगह दोनों का ही दूरी बन जा रहा है, किसमें, एक जो मालिक और एक जो उसका संपत्ति, यानी द मास्टर वर्सेस हिज मास्टर, या फिर ओनर कहना ज्यादा सही रहेगा, द ओनर वर्सेस हिज प्रॉपर्टी। यहाँ पे किसको ओनर दिखाया जा रहा है, वो आदमी को जिसका यह जंगल है। हालांकि ये मतलब पोएट को पता भी नहीं है कि किसका ये जंगल है, ध्यान से उनको ख्याल भी नहीं है, उनको सही से पता भी नहीं है। ठीक है, ये भी एक दर्शाता है कि क्योंकि उनको क्यों पता नहीं है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना, नेचर कभी एक व्यक्तिगत संपत्ति हो ही नहीं सकता। तो जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसके बारे में नॉलेज किसको कैसे होगा, तो इसलिए भी पोएट एक हेजिटेशन कर रही है, ये भी एंगल हो सकता है। ओके, तो लेकिन अगर इसको थोड़ा देर के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी मान भी लिया जाए ना, तो भी जो ओनर है उसका कंट्रोल लेकिन वुड्स पे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो इसका पास है ही नहीं। मालिक जब अपना संपत्ति का करीब रहता ही नहीं है, तब उसका मालिकाना हक कोई फायदा का ही नहीं रहता, क्योंकि अब देखिए वो यहाँ पे नहीं है, इसी वजह से ना वो कुछ जान ही नहीं पा रहा। पॉइंट यहाँ पे आए हैं उनका वुड्स, वो आदमी का वुड्स में जंगल में खड़े हैं, उसका कोई परमिशन भी नहीं लिया है, बिना परमिशन उसका उस आदमी का पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि यहाँ पे जो जंगल है वहाँ पे घुस गए हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, उसका ब्यूटी को देख रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं बिना बगैर परमिशन लिए, और या उसको भनक तक नहीं है, इस बात का पता तक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम कोई तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर नेचर को काबू में करना चाहोगे तो दैट इज इनवैलिड, दैट इज इनएफेक्टिव। यहाँ जो ओनरशिप है ना, ये इनएफेक्टिव ओनरशिप है, क्योंकि देर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द ओनर्स पोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज पोजिशन। ठीक है, अब देखिए, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। तो ना तो वो हमको यहाँ, मैं खड़ा हो रहा हूँ, ये मैं यहाँ रुक रहा हूँ उसका जंगल में, ना तो वो देखना पा रहा है, मतलब इसको कुछ कंट्रोल कर पा रहा है, और ना ही उसका जो जंगल है, उसका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो स्नो उसमें फॉल हो रहा है, स्नो फॉल हो रहा है, स्नो उसमें पाइल्ड अप हो रहा है, ना उसको वो रोक पा रहा है। मतलब क्या कि ये तब कैसा ओनरशिप हुआ, ना तुम अपना संपत्ति को किसी दूसरे के नज़र से बचा पा रहे हो, ना तुम अपना संपत्ति का मतलब जो उसमें स्नो फॉल हो रहा है ना उसको तुम कंट्रोल कर पा रहे हो। तो ये मतलब ओनरशिप होना और ना होना दोनों ही एक तरीके से एक बराबर हो गया। तो एक्चुअली थोड़ा आयरॉनिकली यहाँ पे पॉइंट ये सजेस्ट करने की कोशिश की है कि भले ही हम लोग नेचर को भी एक मटेरियलिस्टिक निगाहों से देखते हैं, कमर्शियलाइज्ड वे में पॉइंट करते हैं, जैसे हम लोग का जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो पूरा एक तरीके का मटेरियलिस्टिक या कमर्शियल वे में चलता है। ठीक है, हमेशा वहाँ पर ट्रांजैक्शनल वैल्यू चलता है, एक्सचेंज लॉस प्रॉफिट का हिसाब से वो चलता है, ठीक है, मटेरियल गेन के हिसाब से। लेकिन नेचर को अगर हम लोग वैसे ट्रीट करेंगे तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड कम्प्लीटली इनएफेक्टिव, कोई फायदा नहीं वैसे ट्रीट करने से, क्योंकि इंसान को टोटल ओनरशिप नेचर में कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया, ये इतना सारा हिडन मीनिंग हम लोग का निकल के आया पहला स्टैंजा से। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। ओके, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। ओके, क्वेयर का मतलब क्या है, क्वेयर का मतलब है स्ट्रेंज। ठीक है, क्वेयर 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 का मतलब है स्ट्रेंज। ओके,
to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake. The darkest evening of the year. Actually, ये darkest evening of the year ये भी है second stanza का हिस्सा है. ये यहाँ पे आकर है, but actually ये भी second stanza है. ये actually total poem जो है ना, ये 16 line का poem है, 16 line का poem है. चार stanza में ये divided है, देखिए. और हर stanza चार line का है, तो चार line का stanza को हम लोग क्या बोलते हैं? Quatrain बोलते हैं, ठीक है ना? Quatrain. तो ये चारों quatrain में divided है. ये पहला quatrain, एक दो तीन चार. ये दूसरा quatrain, एक दो तीन और चार. ये तीसरा quatrain, एक दो तीन चार line. और ये चौथा क्वार्टर, एक दो तीन चार. तो चारों क्वार्टर में ये डिवाइडेड है, 16 लाइन का पोएम. ओके, आइए सेकंड क्वार्टर को समझते हैं. माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. तो मेरा जो छोटा सा घोड़ा है ना, उसको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है. क्वेयर मतलब स्ट्रेंज, अजीब लग रहा है कि आसपास कोई फार्म हाउस तो है नहीं, फिर भी मैं रुक गया. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और वो भी कैसा ऑड, कैसा अजीब जगह में रुका हूँ. एक जंगल और एक जमा हुआ लेक, ठीक है ना? एक फ्रोजन लेक और एक जंगल, दोनों का बीचों बीच में रुका हुआ हूँ, ठीक है? द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बहुत उजाला दिन का उजाला में खड़ा हूँ, या बहुत एक फेवरेबल टाइमिंग में खड़ा हूँ. मैं कब खड़ा हूँ? ना ही सिर्फ अंधेरी शाम में, बट पूरा साल का सबसे अंधेरा जो शाम है, ठीक है ना, उस सबसे अंधेरे शाम में मैं खड़ा हुआ हूँ. तो सारा चीज़ यहाँ है ना, बहुत ऑड है, बहुत अजीब है. एक तो मेरा एक्शन यहाँ पे अजीब है कि आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है, फिर भी मैं खड़ा हो गया. क्यों खड़ा हुआ? वाई? एक तो मेरा एक्शन अजीब है, ठीक है. फिर क्या अजीब है? मेरा लोकेलिटी अजीब है, यानी मेरा प्लेस अजीब है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक. तो मेरा प्लेस भी ठीक नहीं है, वो भी अजीब है. और मेरा टाइम भी अजीब है, कब मैं खड़ा हुआ हूँ? द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. तो ना मेरा प्लेस सही है, ना मेरा टाइम सही है, ना मेरा एक्शन सही है. तीनों चीज़ें यहाँ पे बहुत ही आउट ऑफ द प्लेस है. इसीलिए मेरे घोड़ा को लग रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ अजीब तो है, कुछ मतलब ठीक, मतलब लॉजिकल नहीं फॉलो हो रहा, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है. ओके, अब जो हॉर्स है ना, ये यहाँ पे एक्चुअली क्या सिंबलाइज करता है? हॉर्स यहाँ सिंबलाइज करता है थिंकिंग प्रोसेस को, ठीक है. हॉर्स को यहाँ पे आप डुअल लेवल में सोच सकते हैं. सबसे पहले तो इसको एक पर्सोनिफाई हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि हॉर्स को पर्सोनिफिकेशन के थ्रू जाना पड़ा है. हॉर्स को पर्सोनिफाई किया गया है. क्यों? क्योंकि एक हॉर्स, एक घोड़ा का दिमाग में तो अभी इतना सारा ऑर्गेनाइज सोच नहीं आ सकता है, इतना स्ट्रक्चरली, इतना लॉजिकली, फ्लो बाय फ्लो कौन सोच सकता है? एक आदमी, एक पर्सन, एक ह्यूमन बींग है ना. तो हॉर्स तो ह्यूमन बींग है नहीं, लेकिन फिर भी उसमें एक पर्सन का जैसा, एक ह्यूमन का जैसा थिंकिंग क्वालिटी डाला जा रहा है. तो इसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन. तो सबसे पहला है कि हॉर्स को पर्सोनिफाई किया गया. और दूसरा बात है कि हॉर्स यहाँ पे एक सिंबल की तरह भी काम कर रहा है. तो हॉर्स यहाँ किस चीज का सिंबल है? हियर हॉर्स इज द सिंबल ऑफ थॉट प्रोसेस इटसेल्फ. हॉर्स यहाँ पे लॉजिक या फिर इंटेलिजेंस या फिर रैशनैलिटी का ही एक सिंबल है, थिंकिंग एबिलिटी का ही एक सिंबल है, ठीक है. आप या थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा सरल भाषा में कहूँ तो माइंड का सिंबल है, ठीक है. हम लोग अपना जो माइंड से लॉजिक लगाते हैं वो माइंड का सिंबल है हॉर्स, ठीक है. और जो पोएट यहाँ पे है, जो हॉर्स कैरेज में करके है, ठीक है ना, जो यहाँ पे रुके हैं, जो स्पीकर हम लोग के, जो पोएट्री का जो स्पीकर है, वो जो रुके हुए हैं हॉर्स में करके आए हैं, रुके हुए हैं वुड्स में, वुड्स का सौंदर्यों को देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वो यहाँ पे सिंबल है इमोशंस का, पैशन का, हर्ट का, ठीक है. तो हॉर्स किस चीज़ का सिंबल हुआ? थिंकिंग प्रोसेस का, लॉजिक का और रैशनैलिटी का. और पोएट खुद यानी जो स्पीकर है, जो हॉर्स में चढ़ करके आए हैं, वो किस चीज़ का सिंबल हुए? वो हुए हर्ट, पैशन, इमोशन. तो ये दोनों चीज़ में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट लेकिन हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि दिल जो कह रहा है, इमोशंस जो चाह रहा है, पैशन जो चाह रहा है, लॉजिक उसको डिनाई कर दे रहा है, माइंड उसको डिनाई कर दे रहा है, रैशनैलिटी थिंकिंग प्रोसेस उसको डिनाई कर दे रहा है. पोइट का यहाँ पे दिली तमन्ना क्या है, उनका ख्वाहिश क्या है कि नहीं मैं यहाँ पे रुकूँ, ठीक है. क्यों मैं यहाँ पे रुकूँ? क्योंकि मुझे ये जो वुड्स है ना, ये जो स्नो फील्ड अप वुड्स है, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है. मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा देर रुकूँ, थोड़ा स्नोफॉल को देखूँ, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे दिल को सुकून मिलेगा, आई विल फील हैप्पी. तो ये उनका ख्वाहिश है, उनका पैशन, इमोशन है. लेकिन उनका दिमाग क्या बोल रहा है कि तुम तो घर से क्या, तुम मेरे ऊपर चढ़ के, मतलब घोड़ा को ऊपर चढ़ के, तुम क्या सिर्फ बीच रास्ते में अचानक से तुमको एक वुड मिल जाएगा, वो भी किसी दूसरा आदमी का वुड मिल जाएगा, तो वहाँ पे स्नोफॉल होगा. तुमको क्या घर से निकलने के वक्त ये पता था? क्या तुम कोई स्नोफॉल होने वाला वुड को देखने के लिए घर से निकले थे?
नहीं ना, तुम तो कोई और चीज सोच के घर से निकले थे, तुम तो कोई काम करने के लिए घर से निकले थे। हाँ, अब उस काम में जाते जाते बीच रास्ते में अचानक से तुमको ये दिख गया, फिर तुम रुक गए, वो अलग बात है, लेकिन तुम अभी तक यहाँ पे क्यों रुके हो? ठीक है, देख ली थोड़ा, अब चलो, क्यों टाइम वेस्ट करना? ये तो तुम सिंपली टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना जो काम के लिए तुम घर से निकले थे वो काम तो तुम यहाँ बैठ के कर नहीं रहे हो। सो इट इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम, टोटली इट्स रॉन्ग। तो दिमाग इसको गलत बता रहा है, दिल इसको सही बता रहा है। तो सीधा सीधा यहाँ पे पैशन वर्सेस इंटेलिजेंस का कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पे कॉन्शियसनेस का भी यहाँ पे सिंबल आ जाता है, ये बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। यहाँ पे जो वुड्स है ना वो आपका कॉन्शियस माइंड का सिंबलाइज करता है, फ्रोजन लेक जो है वो सबकॉन्शियस माइंड को सिंबलाइज करता है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड या फिर लॉजिकल माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड या फिर हिडन डिजायर्स एंड पैशन। ठीक है, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड या उनका हिडन डिजायर क्या है कि यहाँ पे वुड्स को देखा जाए, इसको इस पे रुका जाए, इसको थोड़ा एंजॉय किया जाए, ये है उनका हिडन डिजायर। हिडन डिजायर क्यों? क्योंकि ये वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, ये डिजायर को वो फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका दिमाग उनको रोक रहा है कि नहीं, भले ही तुम्हारे दिल में ये इच्छा जग रहा है लेकिन इसको तुम दबा के रखो, इसको तुम कंट्रोल करके रखो, इसको तुम हाइड करके रखो, क्योंकि ये इच्छा को अगर तुम पूरा किए तो तुम्हारा असली जो मकसद है जिसके लिए तुम घर से निकले थे वो काम नहीं होगा। तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, डोंट डू इट। ये बार बार उनका मन, उनका लॉजिक, उनका रैशनैलिटी ये उनको बता रहा है। ठीक है, इसलिए उनका जो दिल की ख्वाहिश है, जो उनका डिजायर है, वो हिडन रह जा रहा है, वो उनका सबकॉन्शियस माइंड में रह जा रहा है। लेकिन उनका जो एक्चुअल रीजन है, मतलब माइंड है, माइंड क्या बोल रहा है कि जाओ काम करो, लेकिन काम करना क्या उनका सच में काम करना उनको ज्यादा पसंद है? जाहिर सा बात है नहीं पसंद, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ रहा है। तो एक तरीके का कंपल्शन है, उनका दिल हार जा रहा है, उनका दिमाग हावी हो जा रहा है, जीत जा रहा है। फ्रोजन लेक का एक और भी मतलब यहाँ पे होता है कि इसको आप थोड़ा सा फिजिकल इंटीमेसी का भी मेटाफर या सिंबल मान सकते हैं। ओके, खास करके कोई कोई क्रिटिक्स इसको सेक्सुअल सिंबल भी कहते हैं कि फ्रोजन लेक, मतलब जहाँ पे एक आपका रप्चर का बात आता है कि फ्रोजन लेक क्या होता है कि उसका ऊपरी सतह जो है, जो एक्सटर्नल सरफेस है वो मतलब सॉलिड होता है लेकिन वो फ्रेजाइल भी होता है, उसको बाहर से कोई अगर आघात लाया जाए तो वो टूट जाएगा और उसका नीचे का जो लिक्विड पानी है वो निकल के आएगा। तो एक तरीके से इसको हम लोग एक सेक्सुअल सिंबल भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सेक्सुअल सिंबल समझे तब ये जो वुड्स है ना ये पूरा एक फेमिनाइन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो नहीं मतलब एक फेमिनाइन एंटिटी हो जाएगा, एक फेमिनाइन पर्सोना हो जाएगा, और ये जो पोएट है ये एक मैस्कुलाइन पर्सोना बन जाएंगे। तब ये एक लवर और बिलवड वाला कंसीट क्रिएट करेगा कि पोएट जो है एज अ लवर वो अपना बिलवड यानी वुड्स उसको चाहते हैं, उसको प्यार करते हैं, उनका मन है, उनका दिल की ख्वाहिश है कि अपना बिलवड या ये वुड्स का साथ ही समय बिताया जाए। ठीक है, लेकिन उनका जो मन है, उनका जो लॉजिक है, उनका जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बार बार उनका दिल का ये प्यार को इग्नोर कर रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं तुम अपना काम में जाओ, तुमको ये सब के लिए समय नहीं है, ये सब गलत है, बार बार उसको पीछे खींच रहा है। और क्योंकि यहाँ पे लवर बिलवेड का कंसीट आ गया तो इसी हिसाब से हम लोग ये फ्रोजन लेक को एक तरीके से सेक्सुअल कंसीट भी मान सकते हैं कि वो दोनों का बीच में खड़े हैं, बिलवेड के साथ उनका एक सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, एक मिलन होगा, ये एक तरफ उनका चाह है और एक तरफ वो वुड्स में खड़े हैं, मतलब एक हार्ड सरफेस में खड़े हैं। ठीक है, वास्तविकता जो बहुत कठोर होता है वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको करने की चाह, उनका बिलावेट से मिलने की चाह और एक्चुअली में ना मिल पाना, ये दोनों के बीच में वो बहुत ही परेशान खड़े हुए हैं, कन्फ्लिक्टेड खड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, एक और भी हम लोग को कंसीप्ट देखने को मिलता है या कहा जाए तो सिंबल देखने को मिलता है, वो है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। देखिए इसको हम लोग दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक तो हुआ कि अगर हम लोग इसका लिटरली मीनिंग पकड़ ले कि सच में ये पूरा महीना, सॉरी महीना नहीं, पूरा साल का जो सबसे अंधेरी शाम है। ठीक है, तो अगर सबसे अंधेरी शाम माना जाए तो क्या होगा? सबसे अंधेरी शाम साइंटिफिकली होता है विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, विंटर सॉल्स्टिस।
अब विंटर सोल्स्टिस कब आता है? ये आपका आता है ऑटम और विंटर, ये दोनों सीजन का बीच में, ठीक है ना, ऑटम और विंटर ये दोनों सीजन का बीच में। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी दोनों टाइम का बीच में पोएट खड़े हैं, अगर इसको लिटरल मीनिंग से हम लोग देखें। अगर लिटरली मीनिंग से नहीं देखें तो क्या होगा, तब ये हो जाएगा आपका हाइपरबोल, ठीक है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। हाइपरबोल क्यों? क्योंकि कोई चीज़ को, कोई नॉर्मल चीज़ को जब काफ़ी ज़्यादा एलिवेट करके, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है सिर्फ इसका इंटेंसिटी प्रूव करने के लिए, इसका इंपॉर्टेंस प्रूव करने के लिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं एग्जेजरेशन या फिर हाइपरबोल, ठीक है। तो यहाँ पे डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये सचमुच का लिटरल मतलब नहीं है, ये सिर्फ इवनिंग कितना ज़्यादा घना है और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और नेचर का ब्यूटी कितना ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, सिर्फ उसको, उसका पावर को समझाने के लिए, नेचर का इंटेंसिटी को समझाने के लिए, नेचर का स्ट्रेंथ को समझाने के लिए यहाँ पे डार्केस्ट ये सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग हाइपरबोल हिसाब से देखें तो तब ये हाइपरबोल है, ये सिर्फ नेचर का ब्यूटी और स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी को समझाने के लिए बोला गया है। और अगर हम लोग इसको लिटरल तरीके से भी ले तो भी ये क्या, विंटर सॉल्स्टिस है और ऑटम और विंटर ये दोनों सीजन के बीचों बीच खड़े हैं। तो तब क्या होगा कि अगर ऑटम और विंटर ये दोनों के बीचों बीच का विंटर सॉल्स्टिस का मतलब हम लोग पकड़े, तब ये लास्ट दोनों लाइन टोटली सेम हो जाएंगे। मतलब यहाँ भी वुड्स और फ्रोजन लेक दोनों प्लेस का बीचों बीच खड़ा रहना और यहाँ पे ऑटम और विंटर दोनों टाइम का बीचों बीच खड़ा रहना। देखिए फिर से स्पेशियो टेम्पोरल एक क्राइसिस आ गया, जैसे हम लोग देखे थे, जैसे हम लोग फर्स्ट स्टैंजा में देखे थे ना, हिज हाउस इज इन द विलेज, तो कि जो मालिक है, जो वुड्स का, जंगल का जो मालिक है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मालिक का अवस्थान और जंगल का अवस्थान दोनों में मतलब प्लेस का भी अंतर है और टाइम का भी अंतर है। तो सिमिलर एक स्पेशियो टेम्पोरल बैरियर हम लोग को सेकेंड स्टैंजा में भी देखने को मिल रहा, किसका बीच में, एक आपका जो पोएट है उनका और एक जो मतलब जो स्पीकर है उनका एक अंतर, और उनका जो चहिदा बिलवेड प्यारा दिल का ख्वाहिश वाला जो जंगल है उनका बीच में, ये दोनों का बीच में, माइंड और हार्ट का बीच में, इंटेलिजेंस और इमोशन का बीच में, ठीक है ना, रैशनैलिटी और पैशन का बीच में, ठीक है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का बीच में, काफ़ी चीज़ों का बीच में हम लोग को एक स्पेशियो टेम्पोरल बैरियर देखने को मिल रहा है कि जहाँ पोइट रहना चाह रहे हैं वो जगह और जहाँ पोइट को रहना पड़ रहा है वो जगह, दोनों अलग है। पोइट चाह के भी वो जगह में खुद को नहीं रख पा रहे हैं, जहाँ पोइट समय इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ वो समय बिताना चाह रहे हैं वो चीज़, और जहाँ पोइट को समय बिताना पड़ रहा है वो चीज़, दोनों कंप्लीटली अलग है। पोइट चाह करके भी ये मतलब जो गैप है इसको ब्रिज नहीं कर पा रहे, तो ये भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्टफुल स्टैंजा है। अब आइए हम लोग थर्ड स्टैंजा में आते हैं। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ ही मतलब यहाँ घोड़ जो लिटिल हॉर्स है ना, घोड़ा, उसका बात किया जा रहा है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि घोड़ा को पर्सोनिफाई किया गया है, और क्योंकि उसको पर्सोनिफाई ऑलरेडी कर दिया चुका है इसलिए उसको एज अ पर्सन ही ट्रीट किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन ही यूज किया गया। ओके, ही मतलब द हॉर्स, और हॉर्स किसका सिंबल है, यस, थिंकिंग कैपेसिटी, माइंड, लॉजिक, ये सबका सिंबल है। तो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। हार्नेस बेल मतलब क्या होता है, जो घोड़े का जो लगाम होता है ना, देखिए लगाम जब खींचते हैं तो देखने घोड़े का एक मुंह का सामने एक तो बेल लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो जब भी वो अपना सिर ऐसे हिलाता है तो वो बेल का आवाज होता है, बेल का रिंग होता है। तो वहीं हार्नेस बेल को, या लगाम में लगे हुए जो घंटी रहता है उसी को वो घोड़ा क्या कर रहा है, अपने मुंह को हिला रहा है, इधर से उधर स्वे कर रहा है, और वो मतलब जो हार्नेस बेल है उसका शब्द हो रहा है, उसका टंग 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 करके आवाज हो रहा है। तो ये आवाज क्या है, ये आवाज एक तरीके से स्पीकर के लिए एक वार्निंग है, स्पीकर के लिए एक रिमाइंडर है कि स्पीकर मतलब जो आदमी है, जो पोएट है, वो क्या है, वो अभी जैसे अपने रियल वर्ल्ड में नहीं है, वो अभी अपने लॉजिकल वर्ल्ड में नहीं है, वो अपना इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चल गए हैं, वो अपने सपनों की दुनिया में खो गए हैं। किस वजह से, ये वुड्स को देख करके, ये वुड्स जो इतना खूबसूरत है, ये फिल्ड अप विद स्नो है, इसको देख करके वो अपना हार्श रियलिटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रियलिटी, अपना ड्यूटी वाला रियलिटी, अपना टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड रियलिटी, जहाँ पर उनका हर काम, उनका मन हो चाहे नहीं हो करना पड़ता है, हर जगह में उनका मन हो चाहे नहीं हो जाना पड़ता है,
ऐसा दुनिया से वो टोटली टेलीपोर्ट हो गया है, कहाँ, अपना सपनों के दुनिया में, अपना इमेजिनेशन के दुनिया में, जहाँ पे कोई बैरियर उनका नहीं है, कोई स्पेशियल बैरियर नहीं है, कोई टेम्पोरल बैरियर नहीं है, कोई एग्जिस्टेंशियल बैरियर भी नहीं है, जहाँ पे वो सिर्फ अपना मन का सुन सकते हैं और अपना प्रियतमा, अपना बिलवेड, अपना दिल का चाहता स्नोफील्ड बोर्ड्स के साथ जितना चाहे समय कटा सकते हैं अपना मन के हिसाब से। तो ये घोड़ा क्या कर रहा है, उनको दोबारा उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड से बुला रहा है रियल वर्ल्ड में कि तुम कहाँ खो गए हो, वापस आ जाओ अपनी रियलिटी की दुनिया में, तुम सपनों के दुनिया में नहीं हो, आओ वापस आओ रियलिटी का हार्श दुनिया में वापस आओ। तो ये जो हार्नेस बेल्स का जो साउंड है ना, एक तरीके से वार्निंग बेल या रिमाइंडर का काम कर रहा है, ठीक है। तो आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, उसको लग रहा है, वो घोड़ा को लग रहा है कि कहीं ना कोई कुछ गलती है, तो दिमाग को या लॉजिक को लग रहा है कि गलती हो रहा है, पोएट गलती कर रहे हैं, वो अपना दिमाग का बात नहीं सुन के, वो अपना लॉजिक का बात नहीं सुन के, वो अपना रैशनैलिटी का बात नहीं सुन करके, वो अपना इमेजिनेशन का बात सुन रहे हैं, वो अपना दिल का बात सुन रहे हैं, वो अपना इमोशन का बात सुन रहे हैं, और इससे वो मिसकैरेड हो जा रहे हैं, गलत दिशा में चल जा रहे हैं, तो ये उनका गलती है ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। मन ऐसा सोच रहा है और मन इसलिए वार्न कर रहा है कि वापस आओ, सही रास्ते में वापस आओ। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, साउंड्स मतलब यहाँ साउंड इज, यहाँ अपॉस्ट्रोफी एक्चुअली कंट्रैक्शन के तहत यूज हुआ है, साउंड्स यानी साउंड इज, ठीक है। तो बस एक और ही आवाज जो वहां पे सुनाई दे रहा था वो था द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, इजी विंड यानी बहुत ही स्मूथली फ्लोइंग, बहुत ही धीरे धीरे आराम से हवा बह रहा है, वो हवा इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, फ्लेक मतलब होता है वेरी थिन एंड टाइनी पार्ट, ठीक है, जो स्नोफॉल होता है ना, स्नोफॉल मतलब क्या, बहुत ही आइस का बहुत ही महीन सा आपका टुकड़ा, या कह लीजिए एक फ्लेक जैसा, ठीक है, एक बहुत ही पतला पार्टिकल जैसा स्नो धीरे 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 गिरता है, ठीक है। ऐसा जैसे हम लोग जब हेल स्टॉर्म होता है ना, तब जैसे बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा गिरता है बारिश के साथ, वैसा बड़ा टुकड़ा नहीं गिरता है, बहुत ही महीन और पतला बर्फ का एक शीट जैसा पार्ट गिरता है, तो उसी को फ्लेक बोला जा रहा है, ठीक है। और डाउनी यानी एक्चुअली डाउनी यानी यहाँ पे समझा रहा है फेदर लाइक, ठीक है। डाउन मतलब हम लोग समझते हैं कि क्या, एक्चुअली तो डाउन मतलब नीचे होता है, लेकिन डाउन का एक और मतलब होता है फेदर, वेरी सॉफ्ट फेदर। किस तरीके का सॉफ्ट फेदर, जिसको जनरली हम लोग पिलो या क्विल ये सब में भरते हैं, ये सब में स्टफ करते हैं, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट फेदर रहता है, ठीक है। तो वहीं डाउनी फ्लेक मतलब सॉफ्ट फेदर जैसा हल्का पतला नरम स्नोफ्लेक्स, ठीक है, बस वो चीज़ गिर रहा है और हल्का हल्का हवा बह रहा है, बस यही दो शब्द है, ओनली दीज टू वर्ड्स आर देयर। अब आप कंट्रास्ट कीजिए, अब आप कंपेयर कीजिए, एक तरफ है इजी विंड और डाउनी फ्लेक का एकदम शांत आवाज़, ठीक है, और एक तरफ है जो हार्नेस बेल्स जो घोड़ा का लगाम है, वो जो घंटी बना रहता है, घोड़ा अपना सिर हिला रहा है और घंटी बज रहा है, घंटी का आवाज़। अब आप बताइए दोनों आवाज़ में से डिस्टर्बिंग आवाज़ क्यों है, क्या इजी विंड और डाउनी फ्लेक का जो शब्द है वो आवाज़ डिस्टर्बिंग है, या फिर घोड़ा जो ऐसा टंग 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 करके अपना घंटी हिला रहा वो आवाज़ ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ऑब्वियसली घोड़ा जो अपना सिर हिला के आवाज़ क्रिएट कर रहा है वो डिस्टर्बिंग है। तो यहाँ पे एक तरीके से पोइट ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो माइंड जो बोलता है, रीज़न जो बोलता है, रैशनैलिटी लॉजिक जो बोलता है, वो हमेशा सही दिशा में नहीं लेके जाता, वो हमेशा हम लोग को सेटिस्फैक्शन नहीं देता, कभी कभी डिस्टर्ब भी हम लोगों को करता है, जबकि हम लोगों का जो दिल ही ख्वाहिश है, दिल का तमन्ना है, आवर हार्ट्स डिज़ायर, आवर पैशन, आवर इमोशन, जो हम लोग को जिस दिशा में लेके जाता है वो हम लोग को सेटिस्फैक्शन देता है, आराम देता है, एक कंफर्ट का एहसास दिलाता है। यहाँ पे ये जो इजी विंड और डाउनी फ्लेक है ये कहाँ से आ रहा है, ये वुड से आ रहा है, जंगल से आ रहा है, जहाँ पे पोइट रहना चाह रहे हैं, जहाँ पे पोइट का मन है। तो एक तरीके से यहाँ पे वो अगर अपना पैशन को फॉलो करे, अपना इमोशन को फॉलो करे, तो ही उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो ही उनको आराम मिलेगा, तो ही उनको खुशी मिलेगा। लेकिन अगर अपना दिमाग को फॉलो करे, आखिरकार जो उनको करना ही पड़ेगा मन नहीं चाहते हुए भी, उसमें वो डिस्टर्ब्ड फील करेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक मैन वर्सेस नेचर कंफ्लिक्ट आ रहा है कि नेचर हैज़ द पावर ऑफ सूदिंग, नेचर हैज़ द पावर ऑफ कंफर्टिंग, नेचर हैज़ द पावर ऑफ सैटिस्फाइंग, ठीक है, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में, ह्यूमन सिविलाइजेशन में वो पावर नहीं है। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वाड्रेंट को। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप,
But I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. बहुत 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 important last ये दोनों line है, actually ये refrain है. refrain किसको कहा जाता है? जब एक ही line एक से ज़्यादा बार repeat हो, ठीक है, और खास करके एक musical rhythm में repeat हो, तो उसको बोला जाता है refrain. तो ये poet का sorry ये poem का आखिर में भी हम लोग ऐसा ही refrain देखने को मिल रहा है, and miles to go before I sleep, ये same चीज़ दो बार repeat हुआ है, बहुत important line है. ठीक है, आइए फिर से पूरा को समझते हैं. द वुड्स आर लवली डार्क एंड, ये जो जंगल है ना ये बहुत खूबसूरत है, बहुत गहरा है, बहुत घना है. ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग नज़र फिरा लेते हैं ये तीनों जो एपिथेट्स यूज किया गया, एपिथेट्स यानी एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एक है लवली, एक है डार्क, एक है डीप. अब आप बताइए, लवली को तो चलिए एक पॉजिटिव टर्म माना जा सकता है कि लवली यानी नाइस, ब्यूटिफुल, ठीक है ना, मार्वलस, अमेजिंग. तो ठीक है कि जंगल बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे द ब्यूटी ऑफ नेचर का बात किया जा रहा है. लेकिन डार्क और डीप, देखिए जो डार्क शब्द है ना, डार्क शब्द सुन के हम लोगों के दिमाग में एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना, कि जैसे डार्क मतलब ही अंधेरा, अंधेरा यानी कुछ डेंजर, अंधेरा यानी कुछ मिस्टीरियस, अंधेरा यानी कुछ अनश्योर, ठीक है ना. डीप, डीप यानी घना. अब मतलब जितना डीप होगा उतना क्या होगा कि वो आपके लिए भांपना मुश्किल हो जाएगा, वो आपका एस्टिमेशन से बाहर चल जाएगा, उसको आप समझ नहीं सकेगा, उसको आप अंदाज़ा नहीं कर सकेगा. तो सेम चीज़ है, एक तरीके से देखा जाए तो डार्क और डीप दोनों ही चीज़ हम लोगों का इमेजिनेशन से, ये दोनों ही चीज़ हम लोगों का एस्टिमेशन से, हम लोगों का अंदाजे से, हम लोगों का भांपने का क्षमता के बियॉन्ड है, बाहर है. तो दीज टू थिंग्स ऑलवेज कनॉट सम काइंड ऑफ डेंजर, सम काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग, सम काइंड ऑफ मिस्ट्री, सम काइंड ऑफ लैक ऑफ गारंटी, अनश्योरिटी, है ना. तो नेचर जैसे एक ब्यूटिफुल चीज भी है, नेचर इज द सोर्स ऑफ ब्यूटी, नेचर इज द सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, नेचर इज द सोर्स ऑफ कामनेस, ठीक वैसे ही नेचर इज द सोर्स ऑफ पावर, नेचर इज द सोर्स ऑफ मिस्ट्री, नेचर इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, नेचर इज द सोर्स ऑफ इवन फियर. नेचर एक बहुत ही फॉर्मिडेबल फोर्स है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है, और एक ही साथ ये खूबसूरत भी है और भयंकर भी है और बहुत गहरा भी है. ये तो हो गया एक मीनिंग. दूसरा मीनिंग है यहाँ पे फिर से, आपका याद है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का हम लोग कंपैरिजन किए थे वो बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक में, देखिए फिर से वही चीज़ आ जा रहा, डार्क एंड डीप, मन का गहराई में, मन का अंधेरे में छुपा हुआ है ये जंगल. ये जंगल सिर्फ फिजिकल अंधेरा नहीं है, मन का भी अंधेरे में. क्यों ये जंगल मन का अंधेरा में है? क्योंकि आपका मन का जो डिज़ायर है ना, ये कि जंगल को देखने का, जंगल को घूमने का, जंगल को एक्सप्लोर करने का, वो बाहर वो अंधेरे से उठ करके उजाला में आ ही नहीं पा रहा. उजाला में आना मतलब क्या? एक्चुअली में एग्जीक्यूट होना. और अंधेरे में रहना मतलब क्या? दबा हुआ रह जाना. तो ये जो पोइट का दिल ही तमन्ना है ना, वो दबा हुआ है, वो रिप्रेस्ड डिज़ायर है, वो एग्जीक्यूटेड डिज़ायर नहीं है, इसलिए वो मन का अंधेरा में, सबकॉन्शियस में छुपा हुआ है, इसलिए डार्क. और डीप क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही डीप फीलिंग है, बहुत ही इंटेंस फीलिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत ही ट्रू फीलिंग है. ठीक है, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे प्रॉमिसेस रखना है, मैंने प्रॉमिस करके रखा है. किसको प्रॉमिस करके रखा है? मैंने सोसाइटी को प्रॉमिस करके रखा है, मैंने दुनिया को प्रॉमिस करके रखा है, मैंने समाज को प्रॉमिस करके रखा है, मैंने दूसरे दूसरे इंसानों को प्रॉमिस करके रखा है कि मुझे काम करना है, मुझे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, मुझे अपना ड्यूटी निभाना है. तो मैं नहीं फॉलो कर सकता हूँ मेरे दिल ही ख्वाहिश को. क्यों मैं मेरे दिल ही ख्वाहिश को, मेरे दिल ही तमन्ना को, मेरे डिज़ायर को, मेरा पैशन को, जो इतना ट्रू है, इतना स्ट्रांग है, फिर भी मैं क्यों इसको फॉलो नहीं कर सकता? क्योंकि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी में बाधा डाल रहा है. अगर मैं अपना डिज़ायर को फॉलो करूँ तो मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने से चूक जाऊँगा, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही समय में नहीं पालन कर सकूँगा, सही जगह नहीं पहुँच सकूँगा. ओके, फिर से स्पेशियो टेम्पोरल बैरियर आ जा रहा है कि जहाँ जहाँ मुझे रहना चाहिए और जहाँ मैं रहना चाहता हूँ, दोनों जगह अलग है, जहाँ मुझे रहना पड़ रहा है, जहाँ मुझे समय देना पड़ रहा है और जहाँ मैं समय देने के लिए उत्सुक हूँ, जहाँ मैं समय देना चाहता हूँ, दोनों जगह
अलग है, ऑपोजिट है, कंफ्लिक्टिंग है, कंट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो वही चीज बार बार यहाँ पे आ जा रहा है, द कंफ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल डिजायर एंड सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हियर वेरी मच प्रोमिनेंट, ओके, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे मीलो चलना है सोने से पहले, मुझे मीलो चलना है सोने से पहले। यहाँ सोना यानी क्या, यहाँ स्लीप यानी इटर्नल स्लीप, हमेशा का नींद यानी डेथ, यहाँ स्लीप यानी डेथ, मतलब मेरा जब तक डेथ नहीं होता, जब तक मेरा सीने में सांस है, जब तक मेरा शरीर में जान है, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मुझे चलते रहना है, यानी क्या, यानी आई हैव ओल्ड ऑन ए नेवर एंडिंग जर्नी। ये जो मैं अब पोएट का ये जो जर्नी है ना, जो अब तक लग रहा था कि सिर्फ एक नॉर्मल जर्नी है, कि ये पोएट अपना हॉर्स कैरेज को लेकर के निकले हैं अपना कोई नॉर्मल सा काम में, है ना, तो बीच में जस्ट रुक गए उस उनका एक वुड को देख करके, अब हम लोग को समझ में आता है कि ये जर्नी सिर्फ एक नॉर्मल जर्नी नहीं है, ये एक मेटाफोरिकल जर्नी है, मेटाफोरिकल जर्नी ऑफ लाइफ इटसेल्फ। ये जो पोएट निकले हैं अपना हॉर्स कैरेज को लेकर, एक्चुअली उनका बर्थ है, वो पैदा हुए हैं, ही हैज टेकन बर्थ इनटू अ ह्यूमन बीइंग, बस वहीं से उनका चलना शुरू हुआ है। दो चीज़ उनको मिला है, एक है उनका कैरेज जहाँ पे वो खुद है, ये टोटल रिप्रेजेंट करता है हम लोगों का हार्ट, हम लोगों का दिल, डिज़ायर, इमोशन, पैशन, लेकिन हम लोगों को गाइड करने के लिए एक घोड़ा भी बांध दिया गया है कि तुमको कौन लेके चलेगा, तुमको रास्ते में, सही रास्ते में कौन लेके चलेगा, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सोचने का क्षमता, तुम्हारा थिंकिंग कैपेबिलिटी, तुम्हारा लॉजिक, सेंस, ये सब तुमको लेके चलेगा। तो ये है हॉर्स, और ये सब तुमको लेके कहाँ चलेगा, तुम्हारे जिंदगी का रास्ते में। और चलने का मकसद क्या है, ये जर्नी का मकसद क्या है, कि अपना ड्यूटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है, समाज के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है, जो जो तुमको करना पड़ेगा, ये सारा काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कब तक, जब तक तुम्हारा मौत ना आ जाए। तो ये जर्नी कब खत्म होगा, मृत्यु के साथ ही खत्म होगा, मतलब ये एक एवर गोइंग जर्नी है। और इसीलिए जहाँ और बीच में ये जो वुड्स में पोएट रुक गए, ये हैं एक्चुअली हम लोगों का पर्सनल डिज़ायर, क्योंकि लाइफ में जब भी हम लोगों, जो जो भी हम लोगों को कर्तव्य है, जो भी हम लोगों को करना है, जो भी काम हम लोगों को करना पड़ता है, वो हम लोग को है ना हमेशा सेटिस्फैक्शन नहीं देता है, हम लोग को आराम नहीं देता है, वो हम लोग को थका देता है। क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जर्नी में भी पोएट के लिए बहुत कोई क्या बोला जाए, उसको सेटिस्फाइंग जर्नी है, ये टायरसम जर्नी है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग जर्नी, बहुत समय लगेगा ये जर्नी को तय करने में, पूरी ज़िंदगी लग जाएगा, ठीक है ना, तो ये बहुत थका देने वाला जर्नी है। तो जब भी हम लोग थक जाते हैं, जैसे पोएट भी थक गए, तो पोएट का माइंड किससे डिस्ट्रैक्ट हो गया, वुड से, वो है ऐसा वुड्स, यहाँ पे हम लोग का तमन्ना है, हम लोग का पर्सनल डिज़ायर है, जो हम लोग पूरा करना चाहते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन नहीं रुक पाते, घोड़ा हम लोग को बार बार बता देता है हम लोग गलती कर रहे हैं, अपना घंटा हिला के वो बार बार हम लोग को वार्निंग देता है कि गलती कर रहे हो, जिंदगी पड़ा हुआ है, जिंदगी तुम्हारा मन का मुताबिक काम करने के लिए नहीं है, जिंदगी में जो करना चाहिए वो करो, यहाँ पे अपना मन का नहीं चलेगा, दैट इज रॉन्ग। तो एक तरीके से ये सोसाइटल प्रेशर्स, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन वर्सेस पर्सनल डिजायर का कंफ्लिक्ट बार बार यहाँ पे आ रहा है। एक और नजरिए से अगर देखा जाए कि ये जो आखिरी दो लाइन है ना, ये एक तरीके से म्यूजिकल एक टोन क्रिएट कर रहा है। अब आप बताइए कि आदमी एक ही चीज़ बार बार कब रिपीट करता है, जब उसको कोई चीज़ को समझ में नहीं आता। ये भी तो एक व्यू पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर आपसे पूछेगा कि कल तो तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, तो तुमको तो पढ़ना है, ठीक है, आप मान लीजिए आपको पढ़ने का एक सारा मन नहीं कर रहा, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ हाँ पढ़ना है मुझे, पढ़ना तो है। वैसे बार बार बोलने का मतलब क्या है कि आपको करने का लेकिन एक जरा मन नहीं है, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर है, आपका खुद का माइंड का प्रेशर है कि भाई पढ़ ले नहीं तो कल फेल कर जाएगा, ठीक है। तो चारों तरफ से प्रेशर है, एक्सटर्नल वर्ल्ड आपको प्रेशर दे रहा है, आपका माइंड आपको प्रेशर दे रहा है, आपका लॉजिक आपको प्रेशर दे रहा है, लेकिन आपको मन बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रहा। तो इसलिए भी एक आप रिपीट करते कि वो दिखाता है कि आपको मन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करना है एक ज़बरदस्ती। तो एक तरीके से ये जो आखिरी दोनों लाइन पोएट रिपीट कर रहे हैं ना, तो इससे भी लगता है
कि इनको जो अपना जिंदगी का दायित्व पालन करना है, ये जो प्रॉमिसेस इनको रखना है ना, ये जो इनको मीलों मील तय करना है ना दूरी अपना डेथ से पहले, ये भी इनका चाहत नहीं है। ये चाहते हैं कि अपना दिल का ख्वाहिश को पूरा करे, वोट के पास रहे, लेकिन बेचारे उनके पास कोई और चारा नहीं है, ये कंपल्शन है। ओके, अच्छा एक और चीज जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो है आर्ट और आर्टिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे आर्ट और आर्टिस्ट का कैसे आ गया, क्योंकि देखिए कोई भी आर्टिस्ट जो होता है ना वो कभी भी स्पेशियो टेम्पोरल बैरियर में जकड़ के रहना नहीं चाहता है, वो हमेशा चाहता है कि उसका जो इंस्पिरेशन है। ठीक है, अब आर्टिस्ट किस लिए बचता है, आर्टिस्ट का जिंदगी का मकसद क्या है, आर्ट क्रिएशन, कोई भी चीज़ नया चीज़ क्रिएट करना, तो क्रिएशन इमेजिनेशन ये सब उसका, यही सब उसका मतलब जिंदगी जीने का मकसद होता है, यही सब उसका जिंदगी जीने का स्पिरिट इंस्पिरेशन होता है। तो आर्टिस्ट हमेशा चाहेगा कि वो हमेशा एक इमेजिनेटिव दुनिया में रहे, वो हमेशा अपना क्रिएशन का पास रहे, वहीं पे वो अपना पूरा जिंदगी बिता दे। लेकिन आर्टिस्ट भी एट द एंड ऑफ द डे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसको भी सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके चलना पड़ता है, तो इसीलिए उसका जितना भी मन हो ना अपना क्रिएशन का पास रहने का, अपना इंस्पिरेशन का पास समय बिताने का, उसी में अपना जिंदगी निचोड़ देने का, लेकिन उसको भी क्या करना पड़ता है, उससे जुदा होना पड़ता है, अपना दिल का कर्मना को छोड़ करके वापस अपना जिंदगी में आना पड़ता है। लेकिन उसका पास एक तरीका है, क्या तरीका है, वो अपना मेमोरी को टटोलता है, वो अपना जो नॉस्टैल्जिया है उसको हथियार बनाता है। अब यहाँ पे भी हम लोग एक सेम चीज देख सकते हैं, क्या चीज देख सकते हैं कि अगर हम लोग को यहाँ पे ये जो पोएट है, ठीक है, पोएट ने ये चीज देखा, वुड्स देखा, उनको बहुत मन कर रहा था देख मतलब यहीं पे रहने का, नहीं रह पाए, उनको आगे बढ़ जाना पड़ा, लेकिन वो पोएट्री लिख के गए, ये वुड के बारे में उन्होंने पोएट्री लिखा, पोएट्री लिखा है तभी तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं ना स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो ये पोएट्री लिखते टाइम भी तो एक तरीके से वो रिविजिट कर रहे हैं ना वो मोमेंट को, एक एक लाइन जब वो लिख रहे हैं, एक एक वर्ड जब वो लिख रहे हैं, तब वो मन ही मन में विजिट कर रहे हैं, मन ही मन में रीलिव कर रहे हैं उस मोमेंट को, उनका वो जो कुछ क्षण का जो उनका आनंद था, कुछ क्षण के लिए वो जो एक तरीके से पैराडाइज में पहुंच गए थे, अपना दिल का ख्वाहिश को पूरा कर रहे थे, तो वो अगेन एंड अगेन वो मोमेंट रिलिव हो रहा, अगेन एंड अगेन वो आनंद उनको मिलते जा रहा। ठीक है, तो द एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिंग अ आर्ट, ये भी एक तरीके से एक मोमेंटरी एस्केप टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड है, कि फिजिकल दुनिया में रहते हुए एक माइंड डोमिनेटेड, एक लॉजिक डोमिनेटेड वर्ल्ड पे रहते हुए भी हम लोग कुछ क्षण के लिए तो ज़रूर, हम लोग को जब मर्जी तब हम लोग अपना मेमोरी में जा करके अपना दिल वाला ख्वाब को रीअवेकन कर सकते हैं। तो ये हुआ आर्ट एंड आर्टिस्ट्री वाला चीज़ जो यहाँ पे फिट होता है। ठीक है, अब एक आखिरी चीज़ हम लोग देखते हैं, ये है पोएम का जो स्ट्रक्चर है, ये रुबाइयत स्टैंजा में लिखा हुआ है। ठीक है, रुबाइयत स्टैंजा मतलब हर स्टैंजा में जो राइम स्कीम होता है ना वहीं आगे भी फॉरवर्ड होते जाता है, आगे फॉरवर्ड होते जाना मतलब, जैसे देखिए यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें कि नो दो हियर स्नो, तो ए, मतलब नो दो स्नो सेम टाइप का साउंड है, इसलिए ए, और इधर बी। अच्छा फिर देखिए यहाँ पे हियर, तो वहीं सेम टाइप का साउंड है, यहाँ पे क्वियर, तो यहाँ पे भी बी होगा, सॉरी गलती से सी, बी होगा नियर, फिर से बी होगा, फिर ये ले देखिए अभी दूसरा साउंड आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, और फिर से यहाँ पे ईयर सेम, तो हो गया बी। अब देखिए यहाँ पे लेक था सी, वहीं लेक का बराबर यहाँ पे शेक, साउंड आ गया, तो डी कर देते हैं इसको, और फ्लेक फिर से सी। अब देखिए यहाँ पे स्वीप है, यहीं देखिए सेम यहाँ पे आ जा रहा है डी, तो इसको डी, कीप में भी डी, फिर यहाँ स्लीप में भी डी, और यहाँ फिर से स्लीप में भी डी। अगर हम लोग पूरा इसका राइम स्कीम को फॉलो करते तो क्या हो रहा, ए, बी, सी, बी, सी, डी। इसको रुबाइयत पोएम क्यों कहते हैं, रुबाइयत स्टैंजा क्यों कहते हैं, क्योंकि हर स्टैंजा में से एक राइम
कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगला स्टैंजा में। देखिए यहाँ पे पहला स्टैंजा में जैसे ए रिपीट हुआ, एक अलग निकल गया बी, अब ये बी उठ के आ जाएगा सेकेंड स्टैंजा में और रिपीट होगा। देखिए बी बी बी, अब बीच में क्या उठ के आ गया, सी अलग, अब ये सी सेकेंड स्टैंजा से उठ के आ जाएगा थर्ड स्टैंजा में और फिर रिपीट होगा। देखिए सी सी सी, अब बीच में तो सी सी डी सी, यानी सी 3 बार रिपीट किया और बीच में एक नया राइम आ गया डी। अब यही जो डी है ना, यही देखिए आखिरी स्टैंजा में रिपीट करेगा, डी 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 डी। तो इसको हम लोग कहते हैं रुबाइयत स्टैंजा या इंटरलॉकिंग राइम स्टैंजा या फिर चेन राइम स्टैंजा, जहाँ पे पहले स्टैंजा का कोई एक पर्टिकुलर राइम अगला स्टैंजा में कंटिन्यू करता है। जैसे पहले का बी दूसरा में कंटिन्यू किया है, फिर दूसरे का सी तीसरा स्टैंजा में कंटिन्यू किया है और तीसरे का डी चौथा स्टैंजा में कंटिन्यू किया है। तो ये हो गया आपका रुबाइयत फॉर्म, ठीक है। और फिर अगर एक आपका लाइन को माना जाए, मतलब पोइट्री की जो 16 लाइन का पोइट्री है 4 क्वार्टेन में, ठीक है, कितना आप ध्यान दीजिए यहाँ पे भी कितने क्रिटिकल थिंकिंग फ्रॉस्ट ने किया है कि 4 स्टैंजा उन्होंने रखा है और हर स्टैंजा में कितना लाइन है, 4 लाइन, क्योंकि हर एक स्टैंजा एक्चुअली क्वार्टेन है 4 लाइन का। तो 4 स्टैंजा, हर एक स्टैंजा में 4 लाइन और हर एक लाइन में 4 मीटर। क्यों? क्योंकि हर एक लाइन यहाँ पे आयम्बिक टेट्रामीटर से लिखा गया है। ओके, आयम्बिक टेट्रामीटर यानी कि 4 आयम्स होंगे। आयम्स यानी एक पहला सिलेबल होगा अनस्ट्रेस्ड, उसका दूसरा वाला सिलेबल होगा स्ट्रेस्ड। तो एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल का कॉम्बिनेशन को ही बोला जाता है आयम। तो ऐसा हर लाइन में आपको ऐसा 4 आयम्स मिलेंगे, तो इसीलिए हो गया आयम्बिक टेट्रामीटर, टेट्रा यानी 4। तो तब आप सोचिए कितना खूबसूरती से उन्होंने एक सिमेट्रिसिटी बना के रखा है, एक सिमिलैरिटी बना के रखा है, एक कांस्टेंट रिदम बना के रखा है। मैं पोइट्री का फॉर्म का बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि 4 स्टैंजा, हर स्टैंजा में 4 लाइन, हर लाइन में 4 मीटर, ठीक है, और ऊपर से रुबाइयत स्टैंजा भी है। रुबाइयत स्टैंजा यानी मैं जो बोला कि रिदम भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो एक तरीके से पूरा पोएम जो है ना, ये पोएम का जो स्ट्रक्चर है ये डायरेक्टली कॉन्ट्रास्ट करता है पोएम का कंटेंट से, पोएम का थीम से। पोएम का अगर आउटर कवरिंग को देखा जाए, पोएम का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए, पोएम का मीटर को, पोएम का राइम को, पोएम का फॉर्म को, तो बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही एकदम टाइट निट स्ट्रक्चर है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं, कोई इसमें मतलब फ्लक्चुएशंस नहीं, एकदम एक समान, एक बराबर, मोनो डायरेक्शनल यह है, ठीक है, मोनो डायमेंशनल है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो पोएम का स्ट्रक्चर जितना कांस्टेंट और फिक्स्ड है, ठीक उतना ही वेरिएंट है इसका क्या, इसका कंटेंट, उतना ही वेरिएंट है इसका थीम्स, उतना ही वेरिएंट है इसका सब्जेक्ट मैटर, इसका हिडन मीनिंग। तो एक तरीके से पोएम का कंटेंट और पोएम का स्ट्रक्चर भी कॉन्फ्लिक्टिंग है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा पोएम का एक तरीके से कहा जाए तो क्रिटिकल एनालिसिस और समरी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जिससे हम लोग वो हिडन मीनिंग जो भी था वो समझे और इमेजरी सिम्बोलिज्म जो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें लाइंस के बीच बीच में है उसको भी हम लोग पूरा अच्छी तरीके से समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही और भी ढेर सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है। तो अवश्य सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखिएगा ताकि एक भी वीडियो आपसे ना छूटे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक।